हे गाइस, हिमांशु हेयर, वेलकम टू सिविल मॉड्यूल्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन। तो लेवलिंग में तीन टाइप के एरर्स होते हैं। पहला एरर ड्यू टू ह्यूमंस, नेक्स्ट एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट्स, और थर्ड इज नेचुरल एरर। एरर ड्यू टू ह्यूमंस इसके अंदर आ जाता है अगर ऑब्जर्वेशन लेने में कुछ मिस्टेक किया हो, अगर इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट नहीं है या कुछ और फॉल्ट है तो वो इंस्ट्रूमेंट एरर आ जाता है, और तीसरा है नेचुरल एरर। ठीक है, तो नेचुरल एरर में ये दो मेन टाइप के एरर्स हैं। वन इज एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड दिस इज एरर ड्यू टू अर्थ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एरर ड्यू टू कर्वेचर। तो अगर इंस्ट्रूमेंट और स्टेशन, आई मीन स्टाफ, अगर ये पास में है तो इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन ये सेम रहेगी। ठीक है, अगर ये पास में है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और लेवल लाइन, इसके बीच में डेविएशंस आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो डेविएशन है ये होता है अर्थ के कर्वेचर की वजह से। ठीक है, तो ये अर्थ के कर्वेचर है, ये स्टाफ है जिसको हमने परपेंडिकुलरली रखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये कर्व लाइन है लेवल लाइन। ठीक है, तो कर्वेचर की वजह से ये लेवल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो डेविएशन है, इस डेविएशन को बोलते हैं हम कर्वेचर एरर। तो एक बात आप पहले समझ लो कि एक तो होता है एरर, दूसरा करेक्शन, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब सपोज एक लाइन है यहाँ पर, और लाइन की जो वैल्यू है वो है 100 meters, मतलब ये लाइन का एलिवेशन है। तो पहली जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन वन, उसमें हमें मिली 101 meter। ठीक है, सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है इसमें मिला हमें 99 meter। तो ये जो लाइन है ये ट्रू रीडिंग है। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन वन और ऑब्जर्वेशन टू, इसमें एरर है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन वन क्या है, 1 meter ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रू रीडिंग। तो इस केस में एरर क्या हुआ, एरर हुआ प्लस 1 meter, क्योंकि ये एक्चुअल से 1 meter ज्यादा है। ठीक है, अच्छा ऑब्जर्वेशन टू में क्या है, ये एक्चुअल से 1 meter कम है, तो इस केस में एरर क्या हुआ, -1 meter। ठीक है, अगर एरर 1 meter है तो इसका करेक्शन क्या हुआ, करेक्शन मतलब आपकी इस ऑब्जर्वेशन में कितनी वैल्यू हम करेक्ट करें जिससे हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये 101 meter है, अगर इसमें से 1 meter अगर माइनस करते हैं तो हमें ट्रू रीडिंग मिलेगी। तो इसलिए अगर ये +1 meter एरर है तो इसमें करेक्शन होगी -1 meter। उसी तरह ये एक्चुअल से 1 meter कम है, तो इसमें कितनी रीडिंग हम लोग क्या वैल्यू ऐड करें जिससे ये ट्रू रीडिंग तक पहुंच जाए, तो इसमें 99 meter में अगर हम 1 meter इंक्रीज करेंगे तो ट्रू रीडिंग आएगी, तो इसका मतलब करेक्शन इसके अंदर कितनी होगी, +1 meter। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना कि अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब इस केस में देखो, इसमें आपकी रीडिंग ये आनी चाहिए लेकिन रीडिंग अर्थ के कर्वेचर की वजह से आ रही है ये। ठीक है, तो इस केस में कर्वेचर करेक्शन क्या है, सॉरी कर्वेचर एरर है पॉजिटिव। ओके, तो ये जो फिगर है इसको इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये लाइन होगी आपकी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और
ये लेवल लाइन, ठीक है, और इस पॉइंट से ये ओ पॉइंट ये अर्थ के सेंटर तक जा रहा है, राइट। तो ये वाली जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रही है वो ये वाली लाइन है, ठीक है। तो ये अर्थ के सेंटर तक जा रही है, तो ये मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक ये जो वैल्यू है ये क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस ऑफ अर्थ, और इसके ऊपर ये जो है ये वाली, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं हम ऐसे सी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, कर्वेचर करेक्शन निकालना है, तो इसलिए इसको सी सी डिनोट कर रहे हैं हम लोग। अब ये देखो, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको डिनोट करते हैं डी। अच्छा, कर्वेचर की वजह से ये जो डिस्टेंस डी है और ये जो डिस्टेंस है इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए इसको भी हम डी डिनोट कर रहे हैं। अब ये देखो, ये क्या बना, एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब इसके अंदर पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या है, आर प्लस कर्वेचर करेक्शन इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करो, आर स्क्वायर कर्वेचर करेक्शन स्क्वायर टू आर सी सी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। इसमें ये कॉमन ले लो, कर्वेचर करेक्शन प्लस ट्वाइस ऑफ आर इक्वल्स टू डी स्क्वायर, इससे क्या आया, कर्वेचर करेक्शन इक्वल्स टू डी स्क्वायर अपॉन सी सी प्लस ट्वाइस ऑफ आर। अब रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6370 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है कर्वेचर करेक्शन एज कंपेयर टू दिस, ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो रिजल्टेंट एक्सप्रेशन क्या होना, कर्वेचर करेक्शन इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, ओके। अब क्या करना है, अब ये जो वैल्यू है रेडियस की ये इसके अंदर पुट अप करो, ठीक है। 6370 6370 मल्टीप्लाई बाई टू, ठीक है। तो 1/2 r कितना हुआ, 1/ आंसर ये हुआ 7.8492 × 10⁻⁵ डी स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये d किलोमीटर्स में है, तो ये क्या हुआ, किलोमीटर स्क्वायर हो गया, r तो किलोमीटर में है, एक किलोमीटर से एक कैंसिल, तो ये हुआ किलोमीटर, ठीक है। अब वैल्यू देखो 10⁻⁵ तक जा रही है, तो इसको हम लोग मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर्स, तो वैल्यू आई 0.07849 डी स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में डी किलोमीटर्स में होगा और रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगी वो आएगी मीटर्स में, ओके। ओके, अब सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन करेक्शन को। सो रिफ्रैक्शन होता क्या है, सो इट इज द बेंडिंग अवे ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। तो इस रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट से स्टेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, स्टेशन या स्टाफ को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये स्टाफ और ये, इसको हमने परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक्चुअल में आपको रीडिंग ये नज़र आनी चाहिए, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होती है, आपकी जो रीडिंग होती है ये नहीं, इसकी जगह आपको नज़र आएगी ये वाली रीडिंग, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है ये एक्चुअल से थोड़ा सा कम नज़र आएगी, तो ये जो बीच में जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन एरर, ओके। अब रिफ्रैक्शन करेक्शन फाइंड करने के लिए, तो
रिफ्रैक्शन में ये जो बेंडिंग आप देख रहे हो ये कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। तो ये जो बेंडिंग है ये डिपेंड करती है मीडियम टू मीडियम पे। तो एक एवरेज कंडीशंस को लेते हुए एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक फॉर्मूला जो इसका निकला है रिफ्रैक्शन करेक्शन का, वो है रिफ्रैक्शन करेक्शन इक्वल्स टू 1/7 ऑफ कर्वेचर करेक्शन, ठीक है। और कर्वेचर करेक्शन आपका है डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू वो सेम है 6370 किलोमीटर। तो इसको इसके अंदर प्लेस करो, तो ये हो गया 2 इंटू 6370 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो 1 अपॉन में करके ये वैल्यू आई 1.1213 इंटू 10^-5 डी स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। 10^-5 है, मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट आया 0.011213 डी स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इसमें जो डी जो है डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ, वो है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, ओके। अब जो थर्ड जो केस है वो है कंबाइंड करेक्शन, ठीक है। अच्छा, कंबाइंड करेक्शन से पहले ये बताओ कि ये जो रिफ्रैक्शन करेक्शन है ये एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव, क्या होगा ये? देखो, रीडिंग क्या है, एक्चुअल से नीचे आई है, ठीक है। तो अगर करेक्शन करनी है, अगर आपको एक्चुअल करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, इतनी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। इसलिए रिफ्रैक्शन करेक्शन है जो है वो एडिटिव है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर हम प्लस लिख रहे हैं। कर्वेचर के केस में क्या है, कर्वेचर के केस में आपकी लेवल लाइन ये है और वैल्यू आ रही ये वाली, ठीक है। तो इस केस में जो रीडिंग है ये एक्चुअल से ऊपर है, तो इसको लेवल लाइन तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इस रीडिंग में से इतना डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। इसलिए जो कर्वेचर है वो सब्ट्रैक्टिव है, ठीक है। तो इसलिए अब कंबाइंड करेक्शन में इन दोनों के साइंस यूज होंगे। कंबाइंड करेक्शन क्या होता है, कंबाइंड करेक्शन इज डिनोटेड एज कैपिटल सी इज इक्वल टू कर्वेचर करेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन करेक्शन। कर्वेचर करेक्शन क्या है, डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, और कर्वेचर करेक्शन क्या है, सब्ट्रैक्टिव है, और रिफ्रैक्शन करेक्शन वो एडिटिव है। तो इसको लिख दो 1/7 ऑफ डी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। ये कॉमन ले लो, डी स्क्वायर अपॉन 2r माइनस 1 प्लस 1/7, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव 6/7 डी स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या रहा, 2 इंटू 6370 इंटू 7 और 89180, सो 6 डिवाइड बाय 89180 ये आया 6.727 इंटू 10^-5 डी स्क्वायर किलोमीटर्स, मल्टीप्लाई बाय करते हैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0.06727 डी स्क्वायर मीटर, और रिजल्टेंट क्या है, नेगेटिव है। सब्ट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्टिव है, ओके। अब लास्ट में फाइनली इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसके हम लोग इसके अंदर है डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन।
अच्छा होराइजन क्या होता है? देखो होराइजन वो पॉइंट है जहाँ पर आपका स्काई और लैंड मीट कर रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब अगर आप सी बीच पे खड़े हो, इमेजिन करो, ठीक है, आपकी पोजीशन यहाँ है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे आपको क्या नज़र आएगा? एक लाइन नज़र आएगी, ठीक है? अब इस लाइन के बियॉन्ड अगर कोई शिप भी हो वो आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है? तो ये जो लाइन है ये होगी आपकी होराइजन। तो आपकी पोजीशन से लेके इस होराइजन तक का डिस्टेंस ये कितना है, इसको बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। अब ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपकी पोजीशन है, ठीक है, और ये आपकी हाइट है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हुआ क्या, आई लेवल, और इस पर्टिकुलर लेवल से मैक्सिमम आप इस पॉइंट तक देख पाए, ठीक है? तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका डिस्टेंस डी, राइट? और ये दोनों पॉइंट जो है सेंटर पे जाके मिल रहे हैं अर्थ के, तो ये भी हो गया आर और ये भी हो गया आर। तो जैसे हमने पिछले केस में किया था, तो वही सेम फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा। अब इसमें एच की जगह हम लोग सी लिखेंगे, राइट? तो इसके अंदर डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन में स्ट्रेट अवे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है? अब इस फॉर्मूले में आपको क्या दे रखा है, सी इक्वल्स टू 0.06727 d². तो डी है इस केस में डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन, तो डी हुआ सी अपॉन 0.06727 √, ठीक है? इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, 1/0.06727 ये हुआ, और इसका अंडर रूट कर दिया हमने, हाँ 3.855 √ of c, ठीक है? तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। और डी इस रिजल्ट से डी की यूनिट क्या होगी, चेक करना है। इस रिजल्ट से जो डी जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स आएगा, ठीक है? क्योंकि इस फॉर्मूले में डिस्टेंस जो जाता था डी वो किलोमीटर्स में जाता था, तभी रिजल्ट हमारा मीटर्स में आ रहा है। ओके सो इस वीडियो को ज़रा एक बार दोबारा देखना फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड कुछ फॉर्म न्यूमेरिकल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।